तो फ्रेंड्स ये रहा एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड। तो चलिए मैं इसको जो है आपको अब ऑनलाइन जो है यहाँ पे एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको यहाँ पे जो है एक्सिस मोबाइल ऐप जो है मैंने यहाँ से ओपन करके रखा है, क्योंकि मैंने पहले से इसे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए यूज करता था। तो आपको यहाँ पे जो है अपना ऐप को ओपन कर लेना, अगर आपने ऐप को ओपन नहीं किया है तो आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। और ओपन करने के बाद जो प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे आपको इसको लिंक करना है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे जो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन है कार्ड्स एंड फॉरेक्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट इंटरफेस इस तरह का आएगा। आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्रेडिट कार्ड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है नेक्स्ट इंटरफेस कुछ ओपन हो रहा है। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ओपन होने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मेरा 1,81,341 रुपया का मैंने इसका यूज किया हुआ है और इतना आउट स्टैंडिंग मेरा बैलेंस है पहले का फ्लिपकार्ट का। तो चलिए अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप जो है इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड को इसमें लिंक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो आपको कार्ड अगर आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो ये कार्ड आपको यहाँ पे शो करेगा। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे जो है अनबॉक्स का ऑप्शन है, आपको इस अनबॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अनबॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे ऑप्शन इस तरह का आएगा, डिलीवरी वेरीफाइड। जो आपका कार्ड अगर डिलीवरी हो जाएगा तो आपको यहाँ पे कार्ड इस तरह से शो करेगा फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर चूजिंग अस एज योर नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड, और ये मेरा दूसरा क्रेडिट कार्ड है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इस कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो आपको यहाँ पे चालू रहने देना है, टैप एंड पे करना है तो चालू रहने देना। फिलहाल मैं बंद करता हूँ, एटीएम से भी आपको पैसा नहीं निकालना इसीलिए इसको बंद कर देना, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज लग जाएगा। और POS होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप कोई भी मशीन में जैसे आप कार्ड को स्वाइप करके डालते हैं और पैसा जो निकालते हैं वो POS होता है। तो चलिए मुझे इसमें भी यूज नहीं करना है तो मैं इसको फिलहाल बंद कर देता हूँ, क्योंकि इस कार्ड को मैंने ओनली UPI के तरह यूज करने के लिए लिया हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे सारे बंद कर दिया और यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इंटरनेशनल यूसेज के लिए अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे सारा आपको ऑफ कर देना है और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो है आपका कार्ड नंबर दिखा देगा, जो भी कार्ड आपको मिला हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा कि जो है सेंड OTP टू सेट पिन, तो आपको इस कार्ड का जो पिन सेट करना है तो इसके लिए आपको यहाँ से सेंड OTP टू सेट पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स डाल दिया। और डालने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो है MPIN यहाँ पे डाल देना है 4 डिजिट का, और जो ऊपर में डालना है वही आपको कंफर्म नीचे भी डालना है। इस तरह से फ्रेंड्स पिन डालने के बाद आपको यहाँ से सेट पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेट पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे MPIN डालना है, जो आपका ऐप का जो MPIN है। तो चलिए मैं यहाँ पे MPIN डाल देता हूँ। इस तरह से पिन डालने के बाद फ्रेंड्स आपका जो क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे सक्सेसफुली जो है एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कांग्रेचुलेशंस, योर कार्ड इज सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। मेरा कार्ड यहाँ पे दिखा दिया। इस कार्ड का जो लिमिट है फ्रेंड्स 2,38,000 रुपया है, लेकिन यहाँ पे 1,81,000 तो मैंने ऑलरेडी इसको यूज कर चुका हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पे इसका डैशबोर्ड पे चले जाएंगे तो यहां पे देखिए 590 रुपया दिखा दिया, जो ज्वाइनिंग फीस है वो आपको लग गया है यहां पे 590 रुपया, 500 रुपया प्लस 18% GST प्लस। इसमें फ्रेंड्स हम क्या करेंगे 250 रुपया यूज कर देंगे, लेकिन फिर भी जो हमें 300-350 के लगभग में जो चार्ज लग जाएगा इस कार्ड में। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए इसमें जो है चार्ज जो लगता ही लगता है। अवेलेबल क्रेडिट लिमिट ऑनली 56,658 रुपया है, क्योंकि 2,40,000 में मैंने 1,81,000 रुपया ऑलरेडी मैंने यूज किया है। और अगर आप कार्ड को यहाँ पे मैनेज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे करंट स्टेटमेंट का ऑप्शन है, मैनेज क्रेडिट कार्ड यूसेज का ऑप्शन है, आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। इसका जो ड्यू डेट है 9 नवंबर है 590 रुपये का। और यहाँ पे मैनेज यूसेज क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करके इस कार्ड को पूरा मिनिमाइज कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए सब कुछ ऑफ है, और यहाँ पे इंटरनेशनल यूज के लिए भी मैंने सब कुछ ऑफ करके रखा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने क्रेडिट कार्ड को फुली तरह से यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। और उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस कार्ड को UPI में ऐड करके पैसा किसी को भेज सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। तो फ्रेंड्स
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो रहा है, नहीं एक्टिवेट हो रहा है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।